जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। हड़ताल पर जाएंगे प्रदेश के पेट्रोलियम डीलर्स से 13 और 14 सितंबर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस पर भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने और डीलर्स कमीशन वृद्धि की मुख्य मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों को हड़ताल के नोटिस दे दिए गए हैं, अनुमति मांगी गई है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने जानकारी दी। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल, क्या वाकई में आपको लगता है कि वैट कम किया जा सकता है, डीलर्स कमीशन को बढ़ाया जा सकता है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चुनाव के वक्त में सब कुछ मुमकिन है। तौर पर देखिए विजेंद्र, चूंकि ये सियासी मजबूरी भी है अगर राज्य सरकार की बात करें तो, और केंद्र की भी, क्योंकि राज्य को तो अब कुछ बहुत कम वक्त रह गया जब उसको चुनाव फेस करना है और केंद्र को भी अगले वर्ष चुनाव की तैयारी करने जनता के बीच जाना है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि किस तरह की सियासी मजबूरी, क्या लगातार कोशिश ये की जा रही थी, जिस तरह की बात हो रही थी कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन वो मुमकिन नहीं था क्योंकि जीएसटी का जो मैक्सिमम स्लैब है वो 28% का है, जबकि इसमें 100% से ज्यादा इस पर टैक्सेस लिए जा रहे हैं, वो केंद्र की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से। ऐसे में लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि पड़ोसी राज्य जो है, विजेंद्र, खासकर हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब या गुजरात की बात करते हैं, तो वहां से और राजस्थान की जो दरें हैं उनमें अभी भी 12 से 14 रुपए प्रति लीटर का जो फर्क है पेट्रोल डीजल में, वो बहुत मायने रखता है। तो लगातार कोशिश ये थी, क्योंकि जिस तरह से जैसे जैसे रेट बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि पेट्रोल डीजल जो है वो अन्य राज्यों से, खासकर जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो पड़ोसी राज्यों से डीजल भरवा के आते हैं, तो राजस्थान में डीलर्स को काफी नुकसान होता है। और यही कारण है कि डीलर्स लगातार कोशिश इस बात की कर रहे थे कि राजस्थान सरकार वैट घटाए, क्योंकि कोरोना के दौर में लगातार 3 बार वैट में वृद्धि की गई, उसके बाद कुछ कमी की गई, लेकिन उतनी कमी नहीं की गई जितने की एक्सपेक्टेशंस जिसकी डीलर से आम जनता कर रही थी। तो निश्चित तौर पर एक बात, इनकी लंबी लड़ाई थी पिछले दिनों, उनकी वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी जो आरपीडीए है, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, लेकिन बात नहीं बनी। और लगातार ये कोशिश ये कर रहे कि टैक्सेस में यूनिफॉर्मिटी हो, खासकर पड़ोसी राज्यों के बराबर वैट किया जाए, जिससे वैट में तो कमी आएगी, साथ ही साथ डीलर्स का कमीशन भी बढ़ा जाए, क्योंकि डीलर्स को अभी भी 3.5 रुपए के आसपास प्रति लीटर जो उनको जो कमीशन मिल रहा है वो चाहते हैं उसमें वृद्धि हो। लगातार ये मांगे थी और उनकी मांगे नहीं मानेगी, तो ऐसे में उन्होंने फैसला किया है कि 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक प्रदेश के तमाम जो पेट्रोल पंप हैं वो ड्राई रखे जाएंगे, उनमें किसी तरह की पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं की जाएगी। और इस अवधि में, इन 2 दिन में मांगे नहीं मानी तो 15 सितंबर से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जितने भी प्रतिनिधि हैं, मतलब राजस्थान के जितने भी पेट्रोल पंप ड्राई हो जाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसको लेकर के आज उन्होंने जो खाद्य विभाग के जो आयुक्त है उनको भी नोटिस जारी किया है, उसके अलावा जो संबंधित जितने भी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक है उनसे भी अनुमति मांगी है कि हड़ताल पर रहेंगे, और क्योंकि हड़ताल में किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना हो, किसी तरह की कोई तनावपूर्ण स्थिति ना हो, इसलिए उनको पुलिस बल भी मुहैया कराया जाए ताकि शांतिपूर्वक वो अपनी बात को रख सके। तो ठीक है निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।